तो भाई आज हम फिर से खेलने वाले आइलैंड वाली गेम। बहुत से लोग इसका नाम पूछ रहे थे, हमने पिछले पार्ट में इसका नाम बता दिया था, इसका नाम है स्ट्रैंडेड डीप। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस सीरीज को शुरू से देख रहे हो ना, तो भाई आज का जो पार्ट है ना वो सबसे जबरदस्त होने वाला है। ऐसा पार्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज हम ऐसी चीजें करने वाली है ना जो कि हमारी लाइफ बना देंगी, हमें अपने घर तक ले जाएंगी, इन आइलैंड से निकाल देंगी। अभी आज ऐसे हम फैसले लेने वाले हैं। तो भाई पहले तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, पहली बात यह है कि हम स्विच करने वाले हैं पूरे इंजन पर। अब ये जो सेल वगैरह है ना, इसको उतारने का टाइम आ गया है, इनको ख़त्म, ये अब किसी काम के नहीं रही हमारे, अब पूरा हमने इंजन पर स्विच करना है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मसला है भाई इंजन पर स्विच करने का, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। और पेट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पोटैटोज़ नहीं है। पोटैटोज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है, यानी एक आइलैंड पर जाओ ना उधर शायद कोई मुश्किल से दो मिल जाते हैं। पिछली बार हम गए थे तीन हमें मिल गए थे, लेकिन वो हर बार ऐसे नहीं होता भाई, कभी कभी मिलते हैं ऐसे दो, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। तो यानी पोटैटोज ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना हम पोटैटो की फार्मिंग शुरू कर दें, ताकि हमारे पोटैटो हमारे आइलैंड पर ही पैदावार होती रहे भाई, हमें टेंशन ही ना हो कहीं जाने की। अगर हम मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक पोटैटो का प्लांट लगाते हैं और एक यहाँ पर लगाते हैं, ताकि ये पोटैटो बार बार हमारे पास आते रहें, और साइड पर हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी डॉग है ना, उनके अंदर इंटरफेयर वगैरह ना करें। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना भाई, जो आज की पार्ट की सबसे बड़ी खास बात है ना, आज हम बनाने वाले हैं हसन जायरोकॉप्टर। भाई जायरोकॉप्टर हवाओं में उड़ेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन जायरोकॉप्टर के साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना इस टाइम हमारे पास, हमारे पास चीज़ें हैं पड़ी जायरोकॉप्टर के लिए। आपको मैं दिखा दूं क्या क्या ज़रूरत होती है जायरोकॉप्टर के लिए। ज़रूरत होती है जायरोकॉप्टर की बेस, ये ठहरी हुई है, जायरोकॉप्टर की सीट, ये ठहरी हुई है, और जायरोकॉप्टर की मोटर, जायरोकॉप्टर की कॉकपिट, जायरोकॉप्टर के रोटर्स जो के पंखे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है सिर्फ एक जायरोकॉप्टर को बनाने के लिए। लेकिन खुशी की बात भी बताता हूँ, दुख की बात भी बताता हूँ। खुशी की बात ये है कि हम जायरोकॉप्टर रोटर्स भी बना सकते हैं, जायरोकॉप्टर कॉकपिट भी बना सकते हैं, जायरोकॉप्टर मोटर भी बना सकते हैं। अब दुखी की बात ये है कि हम जायरोकॉप्टर सीट नहीं बना सकते, जायरोकॉप्टर बेस नहीं बना सकते, यानी आधे से ज़्यादा जायरोकॉप्टर हम बना सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें मिसिंग है। अच्छा, दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ क्या मिसिंग है। जायरोकॉप्टर पार्ट्स चाहिए हमारे पास, इस टाइम दो जायरोकॉप्टर पार्ट्स हैं पड़े, लेकिन हमें दो मजीद चाहिए, तब जाकर हम ये जो चीजें मैंने आपको बताई हम जो नहीं बना सकते ये हम बना पाएंगे। तो जब ये बना लेंगे ना जायरोकॉप्टर कंप्लीट, अब उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए ये, देखें ये ठहरे हुए जायरोकॉप्टर पार्ट, और दो चाहिए हमें। हमने ये वाला आइलैंड को पूरा छानबीन उल्टा कर दिया पूरा आइलैंड को, लेकिन जायरोकॉप्टर नहीं निकला, जायरोकॉप्टर का पार्ट बिल्कुल ही गुम है, यानी यहाँ से निकला ही नहीं है। ये वाला जो जायरोकॉप्टर का पार्ट है हमें पिछले आइलैंड में मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें एक भी जायरोकॉप्टर का पार्ट नहीं मिला। तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, वो तकरीबन यहाँ पर ऊपर रखा हुआ था, हाँ ये रखा हुआ है, देखें दो जायरोकॉप्टर का पार्ट है। अब सिर्फ बस ये याद कर ले हमें दो जायरोकॉप्टर के पार्ट चाहिए। दो जायरोकॉप्टर के पार्ट के बाद भाई हमने बना लिया है अपना जायरोकॉप्टर, बन जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगा जायरोकॉप्टर में। लेकिन मसला, दूसरा मसला सबसे बड़ा, जायरोकॉप्टर में सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है हसन, मसला ये है। अब अगर हमें जायरोकॉप्टर पार्ट ज़्यादा मिल गए तो हम दो बना लेंगे, लेकिन जायरोकॉप्टर पार्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है भाई। हमें 5-6 आइलैंड पर गए, हमें सिर्फ दो जायरोकॉप्टर पार्ट मिले हैं, तो भाई ये इतना मुश्किल है। तो अब हमें दो जायरोकॉप्टर पार्ट ढूंढना है, अगर ज़्यादा मिल गए तो और बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो टारगेट है दो जायरोकॉप्टर। और जल्दी से हम अपनी फार्मिंग के लिए चीज़ें जमा कर लेते हैं, यहाँ पर एक हम बनाते हैं पोटैटो, ताकि हमारा जो पेट्रोल है ना वो हर वक्त फुल हो भाई, क्योंकि अगर स्विच कर रहे हैं ना हम पेट्रोल पर, तो भाई हर चीज़ फुल होना ज़रूरी है। ये लगा दिया मैंने, और अब इसके अंदर पोटैटो हसन हमारे पड़े हुए थे, पोटैटो ले आप, हम पोटैटो साहब, हाँ पोटैटो उठा लेते हैं और उसको जाकर अपना प्लांट कर देते हैं। ये रखे हुए हैं, एक पोटैटो हसन तू उठा ले, एक मैं उठा लेता हूँ, दोनों ही तूने उठा लिया। अच्छा, ये हमारा फ्यूल कलेक्टर, देखें ये ठहरा हुआ है इस वक्त, इसमें पोटैटो फुल है, लेकिन अभी और हमारे पास पोटैटो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा नहीं बनाया, दूसरा अभी तक मैंने नहीं बनाया। इसमें हसन प्लांट करो, तुम पोटैटो प्लांट करो। ओ भाई हसन भाई ने प्लांट कर दिया है, और यार बता तो सही मुझे, व्यूअर्स ने देखा भी नहीं है कैसा प्लांट हुआ है। अच्छा दूसरा दिखा देंगे। अच्छा, इसके अंदर हसन हमने अभी पानी भरना है, इसके अंदर पानी भर कर इसके अंदर डालेंगे। अच्छा मसला क्या है, आप लोग को पता है
हम ये गाढ़ा पानी इसको प्लांट नहीं कर सकते, यानी गाढ़ा पानी हम प्लांट को नहीं दे सकते। अब मुझे नहीं पता असल में ऐसे होता है यानी गाढ़ा पानी पता नहीं दे सकते हैं प्लांट्स को या नहीं, लेकिन इस गेम में नहीं कर सकते शायद। मुझे लगता है हसन आप लोग कमेंट में बताओ, हाँ आप लोग कमेंट में बताओ क्या क्या है भाई, दे सकते हैं या नहीं दे सकते असल में पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, आप लोग कमेंट में बता दो। अच्छा ये रखा हुआ हमारा पानी भर लेते हैं, हसन आप भी भर लो। अच्छा इसका एक मसला ये है कि हम वहाँ से पानी भर कर आएंगे और यहाँ पर देंगे और इनको बहुत ही पानी देना पड़ता है भाई, हर दो दिन के बाद इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखे अभी भी मज़ीद भी इसको पानी चाहिए तो मज़ीद जाते हैं, हसन भाई लेकर आए हसन इसको पानी दे दो। अब भी दूसरा हो गए ना ये ले पोटैटो, देख ये देखें इसको ये पानी पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरत होता है। पोटैटो कहाँ है हसन? ये है पानी जो है ना इनको बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वाटर स्टिल जो है ना हम अपना जो पानी बनाने वाला है वो यहीं पर ही ठहरा देते हैं ताकि हम इनको जल्दी जल्दी पानी देते रहे भाई, कोई मसला ना हो अपना, कोई यानी जितना टाइम बचा सकते हैं ना अपन को टाइम बचाना है भाई उतना। ये और मैं फार्मिंग का लगा देता हूँ भाई, इसको लगा देते हैं थोड़ा ऐसे साइड पर, हमारी डॉग के सामने ये नज़र ना आए ना फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा पोटैटो ये है मेरे पास, इसको कर लेते हैं प्लांट भाई, और ये छोटा सा हमारे पास प्लांट लग गया है भाई, देख रहे हो छोटा सा मुन्ना साहब बड़ा होकर हमें पोटैटोज देगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा अब हमने देना इसको पानी, हसन क्यों ना यहीं पर वाटर स्टिल अपना बना ले। मैंने इसको वैसे दे तो दिया है काफ़ी सारा, बना लेते हैं लेकिन फिर भी चले साहब भाई चले, मैं वाटर स्टिल देखता हूँ। हसन इसके लिए मुझे एक कपड़ा चाहिए, एक पाम का पत्ता चाहिए और तीन पत्थर चाहिए। तीन पत्थर तो पड़े हुए थे, कपड़ा भी पड़ा हुआ है, बस एक पाम का वो चाहिए मुझे, वो भी पड़ा ही होगा उस साइड। हाँ ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ठीक है, पाम फोन भी मिल गया। और मुझे चाहिए भाई, मुझे और क्या चाहिए, तीन पत्थर, तीन पत्थर ये पड़े हुए हैं। तो भाई ये वाटर स्टील मैं बना लेता हूँ, अब इसको रख देते हैं अपना उसी जो उसी फार्मिंग प्लांट्स है ना हमारे उन्हीं के साथ ही रख देते हैं, क्यों हम भाई हमें टेंशन मजीद अपन को रिक्स नहीं लेने का, अपन को टाइम ज़ाया नहीं करने का, तो ये इसको बिल्कुल यहाँ पर रख देते हैं। ये यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे फार्मिंग प्लॉट्स हैं और भाई इसके अंदर हमने पाम फाउंड और लगाने हैं, जल्दी हसन इसके अंदर रिफिल कर दो, तो अभी पानी की ज़रूरत है, इसको देते हैं पानी। ओ हसन फिल कर दिया, ठीक है इसके साथ ही डाल दो, फिर हमें ज़रूरत पड़ेंगे। अभी ये भी हो रहा है भाई, अपने प्यूनी से जो प्लांट है ना ये बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे और हमें पेट्रोल देंगे भाई, ओए होए होए हम तो शेख बन जाएंगे, फुल पेट्रोल ही पेट्रोल होगा हमारे पास, मैं खाना भी खा लूं भाई। सारे हमने फार्मिंग प्लांट लगा दिया और ये पानी भी लगा दिया, सारे काम कर लिया। अब इसके अंदर मैं पानी भर करना इसके अंदर डाल देता हूँ, ये भाई ये पानी डाल दिया, अब ये हमारा छोटा सा बड़ा होगा भाई, हमारी बहुत ही मदद करेगा, पूरे इंजन पर हम स्विच कर लेंगे। और मैंने बताया कि हसन अब सेल जो है ना हमारे किसी काम की नहीं है, सेल जो अब है ना हमारा जो इंजन है ना वो आगे भगाता है, लेकिन जो सेल है ना वो हवा की वजह से उसको रोकती है यानी इंजन को आगे भागने से, इसलिए अब सेल किसी काम की नहीं रह गई है। अब सेल जो है ना वो मजीद राफ्ट को स्लो करती है, अब ये ऐसे समझ ले सेल हमारी एक ब्रेक है, जब हमें चाहिए होगा कि राफ्ट को स्लो चलाना है तो हम सेल को खोल देंगे। अब यानी सेल हमारी किसी काम की नहीं है, खत्म हो गई अब पूरी, अब सिर्फ इंजन काम का है बस, ठीक है हसन। लेकिन इंजन काम का तब है जब पेट्रोल हो हमारे पास, हमने अभी फार्मिंग प्लांट तो लगा दिए हैं, अब पता नहीं ये काफी होंगे या हमें मजीद भी लेने पड़ेंगे, कुछ समझ नहीं है अभी। तो भाई रात होने वाली है अब। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि हसन हमने ऊपर वाले फ्लोर में भी लाइटें लगाई है, ऊपर वाले फ्लोर की लाइटें अभी जग गई भाई, ये एक लाइट हमने यहाँ पर लगाई और एक लाइट यहाँ पर लगाई, एक लाइट यहाँ पर लगाई और एक लाइट यहाँ पर लगाई। अच्छा मसला ये है कि हमने लाइटें तो लगा दी हैं लेकिन जो दो तीन और लाइटें हमें जरूरत है क्योंकि ये पूरी नहीं हुई हैं अभी तक, अभी फुल नहीं हुए हैं हमारे, यहाँ पे एक लग जाए मजा आ जाएगा। हाँ एक लाइट यहाँ पर लग जाए, एक लाइट और यहाँ पर लग जाए भाई, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, या यहाँ पर एक लाइट और लग जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन मसला ये हमारे पास अभी लाइटें नहीं है तो भाई सो जाए साहब पे चले, चीजें कम है अभी सो जाते हैं और सुबह को निकलना है भाई, अपने जायरोकॉप्टर पार्ट्स ढूंढने हैं, दो जायरोकॉप्टर ढूंढने हैं भाई, मजा आएगा। हवा अभी अभी समंदर पर तो राज कर रहे हैं, फिर हवाओं पर भी राज कर रहे हैं, है भाई मजा ही आ जाएगा। और भाई एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अगर जायरोकॉप्टर पार्ट बना रहे हैं तो क्यों ना हम जायरोकॉप्टर पार्ट को लेकर सीधा अपने घर ही चले जाएं, यानी आइलैंड से निकल जाएं, पूरे सी को खत्म करके घर चले जाएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है भाई, देख रहे हो हमारे जो राफ्ट का इंजन है ना वो इतना पेट्रोल पी रहा है कि हमारे पास पेट्रोल पूरा ही नहीं हो रहा, और सोचे तो सही जो जायरोकॉप्टर होगा वो कितना पेट्रोल पिएगा भाई, अंत ही लेवल का पेट्रोल
पिएगा, इसलिए अभी हमारे साथ पेट्रोल नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर कहीं रुक गए ना, हमारा घर भी चला जाएगा, सब कुछ खत्म, फिर सबसे शुरू, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, इसलिए हम वो नहीं चाहते। ये अभी ये जो है ना अपना बेस्ट वे नहीं है यहाँ से निकलने का, कहीं पर भी रास्ते में रुक गए तो खत्म भाई, कोई भी शार्क रिक्स बहुत है। और जब जो जायरोकॉप्टर रुकेगा ना सीधा पानी में भाई, पानी में अब साथ पता नहीं आइलैंड होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है कहां पर बंद होता है जायरोकॉप्टर, तो इसमें बहुत ही रिस्क है, अभी बहुत ही रिस्क है, लेकिन देखेंगे अगर पेट्रोल हमें बहुत मिल गया तो निकल जाएंगे यहां से, लेकिन अभी पेट्रोल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। चले भाई सो जाते हैं साहब, तो चले भाई सो जाते हैं, डोर बंद कर लो भाई अपने, क्योंकि रात को मच्छर आ जाते हैं, फिर तू भी बंद कर लेना तेरे, हर वक्त मैं करता रहता हूँ, तो चले भी सो जाते हैं। तो भाई सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं और आज जरा लेट उठे हैं क्योंकि भाई रात बहुत ही काम किया था, और देख रहे हैं फुल धूप निकली हुई है। अब देख लेते हैं अपने जो प्लांट है वो फुल हुए हैं या नहीं, वो कुछ बड़े हुए हैं या नहीं, देख लूं भाई कितना हुए हो तुम लोग, ठहरो। ओ भाई नहीं, प्रोग्रेस तो नहीं है हसन, अभी तो प्रोग्रेस नहीं है, देख ले हसन चेक कर ले, इसकी भी नहीं है भाई प्रोग्रेस। इनको पानी की जरूरत है, नहीं पानी की जरूरत भी नहीं है, पानी के लिए भी फुल है भाई। अच्छा अभी एक दिन हुआ है, एक दिन अपने मेन मिशन की तरफ, हाँ अभी चलते हैं। अच्छा इनको एक दिन हुआ है, एक दिन में यार कौन सा प्लांट बड़े होता है, तो चले इनको जरा टाइम देते हैं भाई, हो जाएंगे ऐसा ऐसा हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा अब चलते हैं अपने जो जायरोकॉप्टर भाई, जायरोकॉप्टर ढूंढना है भाई और मजा आने वाला है। तो अभी अभी हम दूसरे आइलैंड पर जा रहे हैं ना, उधर हमें बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी, जैसे अब इस आइलैंड पर हमारे वुड खत्म हो गई है, अपना पत्थर खत्म हो गए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी काम की चीज़ें हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम कंटेनर उठा लें, जो कि खाली कंटेनर हो, लेकर चलें वहाँ पर, जो हमें काम की चीज़ें मिलें उसको उठाते आएंगे, अपने इस आइलैंड पर लेते आएंगे, तो भाई मज़ा ही आएगा। तो खाली कंटेनर उठा लेते हैं, और एक कंटेनर वो वाला उठा ले हसन जिसमें अपने हाले वगैरह पड़े हों। अच्छा। ताकि अगर रास्ते में शार्क वगैरह हम पर अटैक करें ना, तो भाई उसको जवाब देने के लिए भी हमारे पास कुछ हो पड़ी, भाले वगैरह हों पड़े उनको मार गए। अच्छा ये कंटेनर खाली पड़ा हुआ, इसको उठा लेता हूँ, और जो भी खाली कंटेनर है उसको उठा दिया। तीन कंटेनर है भाई साहब, भाई मेरे पास खाली। अच्छा खाली तीन कंटेनर उठा भी लिया है तूने इतना जल्दी। अच्छा भाई अच्छा ये कंटेनर भी खाली नहीं है, पांच कंटेनर कर लेते हैं, एक मेरे पास है, तीन हसन के पास है, चार कंटेनर, एक और कंटेनर, सबको एक एक के अंदर पहनो, सभी खाली हो जाएगा। अच्छा ले मैं इसके सारा चीजें जो है ना इसकी निकाल कर अपना, ओ मेरे पास जगह भी नहीं है इतनी। अच्छा भाई मैं ये वाली चीजें इस कंटेनर में डाल लेता हूँ, ये इधर डाल ली और ये इसको भी उठा लिया भाई, तीन कंटेनर, दो कंटेनर मेरे पास है, तीन कंटेनर हसन के पास है, पांच कंटेनर हो गए, तो मुझे लगता है इतना काफी होंगे। भाले वगैरह हसन उठा लिए, मैं वही अभी उठा, देख देख ऐसे करते हैं, इसे छोड़ छोड़ हसन छोड़, ये तू भाले सारा नीचे पहन, ठीक है देख मैं तुझे एक टेक्निक बताता हूँ, खाली कंटेनर जो है ना वो सारे तू उठा, ठीक है अब ये खाली कंटेनर तू ना, एक कंटेनर मैं उठा लेता हूँ जिसके अंदर सारे भाले रख देते हैं, अगर शार्क मुझे मिल गई तो हमें पता होगा कौन सा कंटेनर हमारे पास है जिसके अंदर शार्क है, जिसके अंदर ये अपने भाले हैं, तो जल्दी जल्दी से वही कंटेनर निकाल कर शार्क को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि शार्क निकल जाएगी या शार्क हम पर अटैक कर देगी तो वो अच्छी बात नहीं है। जो ये भाले सारे मैं इसी कंटेनर के अंदर रख लेता हूँ, इस कंटेनर को हमने भालों से फुल कर देना है भाई, और भाले भी थे हमारे पास, ये रखे हुए हैं और भाले, ओ ये अच्छे वाले भाले हैं, इनको भी उसी के अंदर ही रख देते हैं भाई, ये ले भाई ये चलो भाई अंदर ये लो भाई, बस मुझे लगता है इतना काफी होंगे, काफी है साहब भाई। अच्छा एक दो और पड़े हुए उठा लें जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाए ऐसे, तो ये सारे मैं इसी के ये दिए तो सभी भाला नहीं है जो उठाया हुआ, हाँ इसको मैं फेंक दूंगा, ये मैंने ऐसे उठा लिया भाई। साहब भाई आ जाए चले अपने सफर पे, हाँ चले भी सफर पर चल रहे हैं, और ये मैंने फुल कर दिया अपना भालों वगैरह से, इसको मैं उठा लेता हूँ, चल भाई सर खींच ले, और पेट्रोल भी मेरे पास है पड़ा जिसके अंदर 50% पेट्रोल है पड़ा, जेरी कैन मैंने उठाई हुई है, ठीक है मैं ड्राइव करता हूँ, ये जेरी कैन ठहरी हुई है मेरे पास और इसके अंदर 50% पेट्रोल है। अच्छा भाई चले मैं ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, ये मैं इस पर बैठ जाता हूँ, और हसन भाई इस वक्त पिछले पार्ट में हमने इसको पूरा लूट कर लिया था, इसके अंदर जो भी चीजें वगैरह थी हमने सारी उठा ली थी भाई, तो अभी ये यहाँ पर नहीं चलना, हम चलेंगे किसी और आइलैंड पर, वहां पर चलकर देखते हैं। मुझे लगता है पास पास वाले जो भी आइलैंड है ना वो सारे हमने लूट कर लिए, हमें जरा दूर जाना पड़ेगा। अच्छा हसन याद करता रहा कंपास तूने उठाया हुआ है ना, ये मैं बिल्कुल देखे निशान रखा हुआ मैंने वहीं पे, हाँ इसको गुम नहीं करना हसन, ये गुम हो गया तो भाई हम गुम हो गए समझ,
फिर सबसे शुरू सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं है हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे उसी आइलैंड पर ही हैं, घर भी वहीं पर है, फार्मिंग भी वहीं पर है, पेट्रोल भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। अच्छा अभी हम अच्छा बड़ा दूर आ गए अपने आइलैंड से, और ये सामने वाला आइलैंड जो कुछ ठीक लग रहा है, जल्दी से यहाँ पर उतरते हैं और शिप पर लूट वगैरह, जो ये रैक वगैरह टूटी हुई शिप पड़ी रहती है वहाँ पर लूट वगैरह करते हैं। स्पाई ग्लासेस भी है, मुझे भी याद आ रहा है। तो भाई देखता रहे ना, जो अभी घर गुम हो गया फिर। हाँ हाँ, फिर वहीं देखते रहेंगे। अच्छा भाई यहाँ पर रुक कर अपना वो करते हैं, अपना लूट वगैरह करते हैं, जल्दी जल्दी से रुक कर, हमारे पास वो पत्थर वगैरह भी हैं वो नीचे फेंक देंगे, फिर हमारी राफ्ट कहीं पर नहीं जाएगी, एक ही जगह पर ठहर रहेगी। तो चलिए मैं रोक रहा हूँ सर, बस यहीं पर रोक दे बस इंजन स्टॉप, और ये इसको फेंक देता है नीचे भाई, फेंक दिया। पक्की बात है ना साहब भाई, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी असन। चल भाई जम खा ले, चक दे फटे भाई, जल्दी से अलग 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 जाना है साहब। हमने अपने जायरोकॉप्टर पार्ट्स ढूंढने हैं, ये ऊपर रखी हुई है असन एक, अब मुझे ये नजर आ गई, ओए नहीं इसके अंदर नहीं है। एयर टैंक किसी काम का है तो बताओ, लेता हूं। क्या एयर टैंक? नहीं एयर टैंक बहुत पड़े हुए हैं भाई अपने आइलैंड पर, वो उसकी अभी जरूरत नहीं है। मैं और शिप पर जाता हूँ हसन, वो वाली शिप लूट कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो हसन इंजन मिले अपने राफ्ट के इंजन, लेकिन वो अभी हमारे किसी काम के नहीं है। एयर टैंक मिला सिर्फ उधर से साहब भाई, एयर टैंक अभी किसी काम का नहीं है भाई। अच्छा लूट कर लेते हैं भाई, ऊपर कोई पड़ी हुई है बॉक्स? नहीं इधर, इधर ये क्या था? हाँ ये नहीं, ये सारी काम का है साहब भाई, ये दो चीजें। हाँ ये इससे अगर हमारी चीजें बन सकती, अगर दूसरा हम बनाएंगे तो उसके लिए काम का है। तो ये उठा लेते हैं, मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर मेरे अभी जगह नहीं हो रही मेरे पास, मैं इन्हीं के अंदर ही रख देता हूँ। हाँ यहाँ से चीजें उठाई और ये इनके अंदर भाई, ये लो, चलो भी अंदर चलो उठा लो अब इन दोनों को। अभी ये बॉक्स रखा हुआ है, अच्छा इसके अंदर राशन है खाने के लिए, ये भी काम का है साहब भाई, इसे भी तो बनता है। हाँ ये सारी चीजें काम की, लेकिन ये हमारे पास है पड़ी, इनके इतने जरूरत नहीं है, सारी है। हमें जायरोकॉप्टर पार्ट चाहिए अभी बस, और कोई हमारे दिमाग में जायरोकॉप्टर पार्ट चल रहा है बस, वही चाहिए अभी हमें, वही काम की चीजें। अगर वो ज्यादा मिल गए तो हम दो बना सकते हैं शिप भाई, तो भाई सोच रहा हूँ कितना मजा आएगा। इस आइलैंड पर हम नहीं जा रहे, मुझे पता है इस आइलैंड पर बहुत अच्छी चीजें पड़ी होंगी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ओ ओ ओ ये कौन सी, ये क्या है, क्या है सब भाई, ये कौन सी शार्क है सर, नई किस्म की शार्क है भाई, डरा दिया इसने मुझे यार। इसके असल आगे बहुत बड़ा बोनट है, ये ठहर मेरे पास, ये भाई निकल रही है वो यार असल, इसके आगे से बहुत बड़ी चूंच है भाई, ये तो सीधा अंदर ही घुसा देगी, ठहर भाई मेरी पावर जाने वाली है, मुझे जल्दी जल्दी ऊपर जाना है। चल जल्दी आ जा जल्दी, मैं अपनी शिप की तरफ जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है साहब भाई इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है। चले इस आइलैंड से भाई हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ अभी जो चीजें हैं जायरोकॉप्टर पार्ट्स हमें जरूरत है वो नहीं मिले। हसन जल्दी पहुंच जल्दी पहुंच रहा हूँ साहब भाई, आइलैंड पर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। नहीं नहीं अंदर से आ रहा हूँ ना, उधर शार्क है, मैंने मरना तो नहीं है। शार्क इधर हमारी शिप के करीब ही है, वो पीछे है हसन शिप के साथ। ठहर मेरे पास ये, आजा ये लगेगा पानी के अंदर, पता नहीं मुझे नहीं पता। ये वो लगा उसको, लगा लग रहा है वो, लगा और भी लगा, लेकिन अब मेरे पास ये खत्म होने वाला है, एक ही है सिर्फ। कहाँ पर है वो हसन, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से शार्क है। ठहर मैं वो वाला बॉक्स निकाल लेता हूँ, जो बॉक्स में मैंने अपने सभी, आपने इतने क्यों उठाए हुए हैं? क्या बॉक्स, एक जो वो वाला बॉक्स है ना उसको रख दें शिप के ऊपर। ओ भाई इसको मैं मार कर ही रहूंगा भाई, एक नई किस्म की शार्क मुझे मारनी है, खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नई किस्म की शार्क मैं ऊपर चढ़ूं भाई, मुझे कुछ कह दे। ओ हसन मरने वाली है, मुझे लग गया सर। हसन जल्दी से भाले उठा ले, मैं भी उठा लेता हूँ। ओ मर गई हसन, मर गई, ओई होई 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 भाई, नई किस्म की शार्क मार दिया, क्या नाम है, गोब्लिन शार्क भाई, ओई होई होई हसन, इसको मैं ऊपर कैसे लेकर आऊं? नहीं नहीं साहब भाई, ये पूरी राफ्ट आप हिला रहे हैं वो देखें। अच्छा चले मैं भी चल रहा हूं, मैं ऊपर लेकर आ रहा हूं, वो राफ्ट गिरती है भाई, इसका वजन इतना ज्यादा है। छोड़े इसको, नीचे गिराए इसको, ओ भाई इतना ज्यादा वजन है। चले आप ठीक है भाई, वजन मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैं भाले सार उतार लूं, क्योंकि ये काम की चीजें हैं और ये हमारे काम आएंगे बाद में, भाले सार उतार लो। चले अभी अब हमने आगे भी चलना है, जल्दी छोड़े। शार्क की शक्ल तो देखो, हां ये डॉल्फिन, ओए ऊपर और शार्क भाई, इतनी शार्क है। चले सभी छोड़े, नहीं लड़ना हमने, चल अपना काम नहीं। ठहर मैं ये अपने ये भाले अंदर रख लूंगा यहीं पर। अच्छा ये तो तीन थे ये, और कहां गई? ओ गिर गई नीचे, गिर गया हसन। ओए ओए अच्छा चल रहे हैं जल्दी कर हसन भाई, चले साहब भाई, वो उठा लेना हसन, वो गिरे हुए हैं पत्थर। अच्छा पत्थर कहाँ से वो? देखिए कौन सी शार्क है,
ये टाइगर शार्क नहीं टाइगर ये ग्रेट वाइट शार्क है यार, इसी को हमने अभी तक नहीं मारा बस, और सबको मार लिया, ये तंग ही करी जा रही है। चले सभी मोड़े 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 मोड़े। अच्छा अभी हसन पता है अभी हमारा घर कहाँ है, भूल तो नहीं किया? घर भी चाहिए 40 बताओ साहब, हमारा घर बिल्कुल ये आइलैंड के करीब। अच्छा अभी हसन हमारा सामने है ना घर, भूल साहब ये क्या है, ये कौन सी शार्क है वो भाई? भाई वही धक्का ना दे मुझे, तू धक्का दे रहा है। सभी चले निकले यहाँ से, ये कौन सी शार्क है वही? ओए हसन इसको मारने दे यार। नहीं 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 छोड़े छोड़े, लगी उसको लगी लगी 40 पे घर रहे सब, इस चीज को याद करना है। ओ भाई बहुत ही खतरनाक शार्क थी, देख रहा था उसके पता नहीं क्या पर चलाए, वरना घर गुम हो जाएगा हमारा। ठीक है मैं चला रहा हूँ भाई, 40 पे 40 पे 40 पे। अच्छा अब आगे वाला आइलैंड हमें ढूंढना है, ये वाला आइलैंड से हमें कुछ नहीं मिली भाई, पूरा ही खाली था, जायरोकॉप्टर एक भी नहीं मिला, एक भी पार्ट नहीं मिला जायरोकॉप्टर का। आगे चलते हैं, आगे शायद मिल जाए भाई, हंट कर रहे हैं हम जायरोकॉप्टर पार्ट को, हंट कर रहे हैं भाई, घूम रहे हैं बस जायरोकॉप्टर पार्ट। चले सब ये वाले पे, नहीं 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 ये छोटा लग रहा है मुझे, यहाँ पर वैसे ही नहीं होगी, आगे चलते हैं, कोई बड़ा आइलैंड हमें चाहिए। अच्छा भाई और आइलैंड के करीब हम आ गए हैं, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इतनी चीज़ें खास नज़र तो नहीं आ रही मुझे, देख एक नीचे पड़ी हुई है, शायद यहाँ से मिल जाए, क्योंकि जो नीचे होती है ना वो उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं पूरी जो नीचे। तो भाई अब हमारा घर 20 पे, पहले 40 पे था, हम घूमे ना इसलिए 20 पे भी आ गया। अच्छा रुक जा, यहीं पर रुक लेते हैं और वो गिरा देते हैं, हाँ ये गिरा दे, और भाई चलो भाई डिप, ओए भाई सांस बंद और नीचे भाई, यहाँ पर ढूंढना है अब जायरोकॉप्टर। ओए तू डरा रहा है सर मुझे, मुझे लगा कोई शार्क वगैरह घूम रही है। अच्छा आगे हसन चलो साहब भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं हसन काम की, यहाँ पर भी नहीं है जायरोकॉप्टर पार्ट। गैसोलीन ये एक मिल गया, जेरी कैन से उठा ना ले, ये काम आएगा हमारे बाद में, पेट्रोल वगैरह ज्यादा जब हमारे पास हो जाएगा ना फिर इसी के अंदर ही पहनेंगे उसको। तो भाई जेरी कैन मिल गया लेकिन और कोई खास चीज मिली नहीं है, साइड पर भी एक है हसन छोटी, वो अभी वही कहाँ पे वो है सामने हाँ, चलता है। अच्छा भाई इस शिप के अंदर चलते हैं, इसके अंदर अल्लाह करे वो मिल जाए। और ये मैंने आइलैंड चेक किया, आइलैंड ये बहुत ही बड़ा है, और इसके अंदर गैसोलीन और पड़ी हुई है जेरी कैन, नहीं यार इतने भी नहीं चाहिए अब जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास जगह नहीं है ना मेन, वैसे जरूरत है लेकिन जगह नहीं है। मैं भाई सामने देख लेता हूँ आगे भी जगह है भाई, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लाइट है एक लैंटर्न है लेकिन जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है, ये भी नहीं उठा रहे, बहुत सारी चीजें छोड़ते। ओ भाई मेरा सांस रुक गया, मैं ऊपर चल रहा हूँ जल्दी भी जल्दी जल्दी यार। तो भाई इसके अंदर भी कोई काम की चीज है तो नहीं, कहाँ पर है तू हसन, इस शिप पर नहीं है तू? नहीं ये लूट ली, ये यहाँ पर तो नहीं लूट की ना, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें चाहिए जायरोकॉप्टर पार्ट बस भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए अभी क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा है पड़ा क्रेट, मैंने कहा चाहिए काम की चीज नहीं है, मैं तो इसको छोड़ के जा रहा था, शुक्र आपने नाम ले लिया है। मैंने कहा एक बार फिर से मैं चेक कर यार, तू अभी मरवाता था अच्छा चले ये उठा ले सभी, ये सामने क्या है? सामने का अच्छा ये घर है क्या? पता नहीं ये क्या है, देखते हैं करीब जाकर। ओह अच्छा ये वो है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलती, ये फारिग होता है कभी, मैंने आज तक इसके अंदर से कुछ नहीं निकाला, ये वो क्या होता है अपने, ये कंटेनर है भाई पूरा एक ऐसे, कहाँ से? अच्छा इसको तोड़ना पड़ेगा इधर से। अच्छा कंटेनर डोर, ये है सर ये है कंटेनर डोर, यहाँ से अंदर जाना है, और भाई खाली ये क्या है? उई, 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 एक और उई, जायरोकॉप्टर पार्ट और दो हो गए भाई, उठा उठा उई, इसको उई, 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 साहब भाई साहब यार ये क्रैब भी आ रहा है, क्रैब को मार गोली जल्दी, अपनी शिप कहाँ है? उई शिप कहाँ है? शिप साहब भाई शिप कहाँ है यार? यहीं पर तो थी, निकल तुम भी शिप। अच्छा वो ठहरी हुई, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ वो यार ये जा तो नहीं रही है कहीं? नहीं ठहरी हुई है कुछ ज्यादा दूर छोड़ के आ गए थे सब हम लोग। अच्छा हम इतना लूट के चक्रों में यहाँ तक आ गए, वो देखो पीछे घूम रहे तेरे, वो भी स्लो हो गया, मैं भी स्लो हो गया भैया, पर हमें नहीं डर लगता इससे, घूमता रहा पीछे, अब हम इसे मार देते हैं भाई, अब हमें डर भी नहीं लगता यार। साहब भाई यकीन माने किस्मत बहुत अच्छी लगी है,
वो अभी और चलना है या चले वापस एक आइलैंड से दो मिल गए ये हजन, क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है, चेक तो कर, ये इतना बड़ा आइलैंड है, इसके जरा साइड से घूमते हैं देखते हैं साइड में तो चीजें अगर हैं, अगर चीजें लूट करने के लिए हैं तो उसमें से भी शायद निकल सकता है, पहले देख लें। अच्छा ये तो लूट कर लिया हमने, ये वाली जो शिप है ना ये पड़ी हुई है ये हमने लूट कर लिया, अभी आगे चलते हैं अपनी शिप पर बैठते हैं और कोई शार्क वगैरह वापस चल रहे या अभी चले? नहीं नहीं अभी पता नहीं है यार क्या, इसी आइलैंड के साइड पर देखे कोई और अगर लूट करने की चीज हो तो फिर। अच्छा भाई रात का टाइम हो रहा है, मगर हमने बिल्कुल सही फौरन फटाफट वापस जाना है क्योंकि हमारे पास लाइट भी नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए। अभी हमारे पास लाइट भी और लैंटर्न हसन पड़ी हुई थी, तूने पहले नहीं बताया मुझे। अच्छा ये राफ्ट एंकर उठा देता हूँ और भाई ये बैठे हसन और भाई हमारा घर 20 पे था उसे भाई देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मोड़ लें ऐसे पूरा मोड़ 360। हाँ चले भाई देखे भाई अब मैं बैक भी कर सकता हूँ, चेक कर रहे हो पीछे चला रहा हूँ मैं गाड़ी को देख रहा हूँ। चल अब चलते हैं सीधा, अब कहाँ चलना है हसन, हमने कहाँ जाना है? ये जो सामने वाला आइलैंड है उसकी साइड में मुड़ते जाए। अच्छा भाई आधा पेट्रोल हमारे इंजन का खत्म हो गया है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास पेट्रोल है पड़ा पहले से, हमने जो अलहदा जेरी कैन में रखा हुआ है। और रात भी बहुत हो रही है भाई, मुझे डर लग रहा है जल्दी से यहाँ से निकलना है भाई। एक तो हमारे पास अपना इंजन है जिसकी वजह से स्पीड हमारी भाई बहुत तेज है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है यहीं पर, अगर फुल रात हो गई ना भाई गए फिर काम से, नजर भी कुछ नहीं आएगा हमारे पास, ना लाइट है ना कुछ, और ऊपर से कंपास को भी नहीं देख सकेंगे, इतनी भी लाइट नहीं है, इतनी भी लाइट नहीं होगी। तो भाई फुल रात हो गई है, फुल रात होने वाली है और सामने हमें अपना आइलैंड नजर आ रहा है, वो देख रहे हैं हमारा ठहरा ऐसे घर नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसा ऐसा जैसा हमने बनाया था, वो साफ नजर आ रहा है, इसी को देखकर ही हम आए गए, वरना हमें भूल गया था कहाँ पर है, लेकिन इसको देखकर हम पहुंच गए भाई। जायरोकॉप्टर पार्ट भी मिल रात हो गई साहब भाई, वो फुल रात हो रही है, जायरोकॉप्टर पार्ट भी मिल गए हैं भाई, अब आएगा सुबह को साहब भाई, बस जायरोकॉप्टर बना रहे हैं, जल्दी चल कोई शार्क वगैरह यहीं पर ना पकड़ ले, रुक रुक तेरे को बताती हूँ जायरोकॉप्टर पर चलेगा भाई। अपना घर देखो लाइटें भी जला रहा है हसन, आगे शिप है, टक्कर नहीं मारना ध्यान से, आगे शिप है, मोड़ लिया मोड़ लिया ठीक है, और भाई लाइटें देखो जगमगा रहा है अपना घर, लेकिन भाई सोच रहा हूँ सर कोई बाहर भी लाइटें वगैरह लगाए, कोई आग वगैरह चलती हो तो मजा ही आ जाए सर। जायरोकॉप्टर पार्ट लेकर आ गए भाई, कमाल मजा ही आ गया, अब निकाल लेते हैं जायरोकॉप्टर पार्ट भाई, दिखाओ भाई कैसे लग रहे हैं। ओए होए होए मेरे पास तो नहीं, वो आपके पास है सर, मेरे पास अंदर रखा हुआ है अपने, इसमें एक पड़ा हुआ है जायरोकॉप्टर पार्ट भाई, ये पड़े हुए हैं तीन जायरोकॉप्टर पार्ट, हमें तीन मिला है इस वक्त हमारे पास, वैसे हमारे अपने जो बॉक्स है ना उसमें कितने पड़े हुए हैं, ये एक ये पड़ा हुआ है, यानी चार हो गए टोटल ऐसे समझे, और एक कहीं पर पड़ा हुआ है या हसन या हमारे पास चार ही हैं, बस चार ही हैं मुझे लगता है, हाँ, ऐसे ना है। एक जायरोकॉप्टर बनाने के लिए एक दो तीन तीन जायरोकॉप्टर पार्ट्स जरूरी होती है, अभी हमारे पास चार है, अगर हम दूसरा जायरोकॉप्टर बनाना चाहते हैं तो हमें और दो चाहिए हसन, अगर दूसरा बनाना चाहते हैं तो भाई और दो हमें चाहिए चाहिए ताकि हसन भाई के लिए भी हो, वरना उस पर तो मैं ही कब्जा कर लूंगा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ, कट्ठे चलेंगे आधा आधा करेंगे, ये मेरे पास कंपास नहीं होता, हम घूम हो जाता है, मैं वो जायरोकॉप्टर के पंखे के ऊपर बैठा हूं चले अभी रात हो गई साहब भाई सो जाता है, चल भाई सो जाते हैं। और भाई सुबह हो गया, और ये क्या दरवाजा क्यों खुला हुआ है, तूने खोला है क्या ये? नहीं मैंने खोला, आपने रात बंद करके नहीं सोया साहब भाई, वजह ये है। अच्छा और भाई बहुत ही देर हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, टाइम मैं चेक कर लूं, इस वक्त हो रहा है 10 भाई, 10 बस बज ही गए, 9:30 बस, 9:30 बस 10 ही बज गए, और इतना लेट उठा है क्योंकि कल भाई बहुत काम किया है। अब हसन सारे पार्ट जमा कर, जो भी जायरोकॉप्टर के पार्ट है सारे जमा कर भाई, साहब मैं जायरो पार्ट, अच्छा आप वो उठा ले, मैं और जो सामान है वो उठा, हमें फिल्टर ये फ्यूल पार्ट भी चाहिए, और हमें चाहिए अपना ये भी है, ये मैंने उठा लियो साहब, ये एक जरूरत है, ये जायरोकॉप्टर पार्ट का इलेक्ट्रिक, हाँ ये सारे उठाता है, एक एक उठाता है, ये सारे काम की चीजें, ये सारे साहब एक साइड पे रखते जाए, हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे, अपनी जो जायरोकॉप्टर की चीजें इन सबको साइड पर, साइड पर आ जाओ भाई, उड़ती जा रही है यार ये, कहीं चली ना जाए, ठीक है ठीक है, ये भी एक और उठा लेता है, ये भाई सारी साइड पर फेंकता जा, इसके अंदर देख लेता हूँ, इसके अंदर भी कुछ पड़ी होगी, आ जा भाई तू भी आ जा, ये भी साइड पर, ये सारे मशीन के पार्ट्स हैं भाई जिससे हमारा जायरोकॉप्टर बनेगा, ओए होए होए भाई मजा आने वाला है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ अभी और मुझे क्या क्या जरूरत है, तो हसन इसके लिए ना मुझे एक ये जो व्हीकल इंजन पार्ट है ना ये कम पड़ रहा है, जल्दी से ऊपर बॉक्सेस में रखा होगा वहीं से जा लेकर आ, जल्दी भागता जा, छेतिया छेती छेतिया, तो भाई और जो चीजें बनती है मैं उनको बना लेता हूँ, एक जायरोकॉप्टर बेस बनता है
ये भाई बनाया साइड पर, एक और बनता है अपनी सीट बनाई इसको क्या यहाँ पर, अच्छा ये भाई उई असल सीट भी बन गई, और भाई और क्या बनाना है, और ये कॉकपिट, और भाई लगा ये भी लग गया, उई असल बनता जा रहा है फुल, और ये मोटर असल लेकर आ गया है, और इसको मैं लगा ये लगा दिया भाई, बन गया बस ये और ये बनाना है, ठीक है पंखे है उसके, हाँ पंखे, ओ भाई जहर नीचे क्यों गिर गया है तू, आजा सीधा हो जा भाई, क्या है तुझे, ठहर ऐसे रुका ये, ओ भाई आए हाय हाय चेक करो भाई हसन सैमी इसके इंजन का वो डाल ना फ्यूल, तो भाई ये है इसका हैंडल चेक कर रहे हो, ये सही पूरा बन गया है, हाँ पूरा बन गया, ये है सीट जिसके ऊपर हम बैठेंगे, और ये तो भाई मेन पंखे जिसकी वजह से हम उड़ेंगे, तो भाई मजा ही आने वाला है, ये पीछे सारा इंजन वगैरह इनका पीछे ही लगा हुआ है, ओए होए होए साहब भाई कैसे चलता है, ओए ध्यान से तोड़ा नहीं, ओए होए ओए यार साहब ये कमाल है, मजा आ रहा है भाई, चेक कर भाई यार साहब कहाँ जा रहे हैं, नहीं तू क्रैश ना करना इसको, किसी तरह हमने बनाया है भाई इसको, अच्छा उतरने का भी तरीका मुझे पता चल गया, ठीक है ठहर मुझे उड़ाने दे यार, असल मुझे भी उड़ाने दे, मैं भी चेक करता हूं, अच्छा अब साहब भाई की बारी, अच्छा तूने पेट्रोल इसके अंदर डाल दिया, मैंने आपको नहीं बताया, मैं कहा पहली बार ट्राई मेरी होगी इसलिए, अच्छा भाई ले साहब भाई ख्याल करना इसी, तो पहले आगे चला जाता है अचानक से, अच्छा हाँ तो भाई ओए होए होए भाई क्या जा रहे हैं भाई, नहीं हसन अल्लाह हाफिज, मैं तो जा रहा हूँ घर तुझे मिलेंगे दोबारा, अच्छा चले रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म होगा, मैंने आधा भरा है मैं और बनाकर निकल जाऊंगा भाई, इसको उठाने का अजाब तो नहीं होगा ना, चले भाई नीचे उतरता है, नहीं हम छोड़ कर नहीं जाते, उतरता है चले भाई नीचे उतर जाते हैं, ओए होए होए भाई हसन नीचे जो ठहरा हुआ है मरेगा तो सही यार साहब भाई, मजा है इसको चलाने का, खैर इसके अंदर सर दूं अपना, हसन नहीं देता यार तो मैं जा रहा हूँ सामने वाले उस पे टूर लगाने, हसन इतनी खुशी जब से इस आइलैंड पर आए हैं ना नहीं हुई यार, ये बनाने में जितनी खुशी हुई है ना, एक दफा फिर से उड़ा कर दिखा हसन, अपनी अपनी छत पर ठहरा हसन, छत पर ठहरा जल्दी आप छत पर ठहरा, हसन भाई ऊपर तू चढ़ गया है, हाँ साहब भाई, ओ भाई मुझे तू हसन नहीं दिख रहा, देखा खैर आ जा सामने आ भाई, ओए 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 तू हेलीकॉप्टर, वो जायरोकॉप्टर को ऊपर छोड़ा है, वो पागल इंसान हसन, साहब भाई जायरोकॉप्टर ऊपर छोड़ा है तू, अभी तो देखा था हमने यार, साहब भाई नहीं करना था जो आपने बोला यार, तू पागल है, तू खत्म है हसन यार, तू अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे ऊपर जाएंगे, लैडर बनती है यार साहब भाई, अब वापस तो लाना है ना, वो यार मुझे समझ नहीं लग रही है क्या क्या है तूने यार, मेरी हड्डियां भी टूट गई साहब भाई, देखे पायलट नहीं बन सकता तू, कितना कहां चोट लग गया तुझे पैर में, साहब पैर में हड्डी टूट, मरता है अब है पूरा, तू जायरोकॉप्टर छोड़ा है तू, है नहीं अब हो सकता है, अगर हम तीसरे फ्लोर पता नहीं यार, अगर लैडर एक निकाले ना यहां से ऊपर, और फिर वो हो सकता है, और हसन मजे की बात है, लकड़ियां पूरी खत्म हो गई आइलैंड पर, एक भी लकड़ी नहीं है इस वक्त आइलैंड पर, ओ भाई लैडर कहाँ से बनेगी, लकड़ियां ही नहीं है भाई, पूरे दरख्त जो है ये बड़े वाले दरख्त हम नहीं काट सकते, वो भाई कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं लकड़ियां, कहीं है ही नहीं भाई, गुम हो गए सारी लकड़ियां, क्योंकि हमने सारी उतार कर अपना घर बना दिया है, और अब हमारे पास लकड़ियां ही नहीं है भाई, और दूसरे आइलैंड पर गए होते हमने लकड़ियां उठाई ही नहीं है भाई, हम उठाना ही भूल गए, जायरोकॉप्टर के पार्ट मिले हम भागते आए क्योंकि रात हो रही थी, लेकिन अब क्या करें, अब पता नहीं, अब ऊपर यार जायरोकॉप्टर ऊपर ठहरे हुए, मुझे अफसोस ये लग रहा है, तू देख खत्म है, देख मंडा ठहरा हुआ है, देख टांगों पर ये बांध कर ठहरा हुआ है, ऊपर से गिरा है हसन की टांग टूट गई है, तो हसन अभी बांध कर ठहरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहा है भाई, अभी कुछ समझ नहीं लग रही, तो भाई आपको मिलेंगे अगले पार्ट में, हसन बस यहीं पर एंड कर रहे हैं, तो भाई आपको मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के दो में याद रखिए ना, खुदा हाफिज़, देख इधर देख, सारी तेरी गलती है सारी, पता तो नहीं था ना मुझे पता क्यों नहीं था तुझे, तू मुझे हाय करने आ रहा था, हसन नीचे गिर गया अब ऊपर, तो चले अगले पार्ट में इसका कुछ करेंगे, तो ठीक है आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के दो में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ बोल टांग टूटी हुई हसन की।